लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसमें भाजपा को कई सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस फायदे में जाती नजर आ रही है। वहीं चार राज्य ऐसे भी हैं जिनमें एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल आ रहे हैं। इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद का चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। सर्वे के आंकड़े देख सवाल उठता है कि क्या इस बार भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन सरकार बना पाएगा। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के अनुसार कई राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधे मुकाबला होने का अनुमान है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष गठबंधन को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 3 गुना से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। सर्वे में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीएम मोदी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। सर्वे की बात करें तो इसमें कांग्रेस को पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थीं। इस बार इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों के रुझानों में काफी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। लोकसभा की कुल 543 सीटों के लिए हुए सर्वे में एकजुट विपक्षी गठबंधन इंडिया को बंपर 175 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। इससे गठबंधन की सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में विपक्ष मजबूत नजर आएगा। सर्वे के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व वाली 38 पार्टियों की गठबंधन एनडीए को 318 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर काबिज होंगे। पार्टी की व्यक्तिगत सीटों की बात करें तो बीजेपी को 290 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा की इस समय 303 सीटें हैं। ऐसे में उसे 13 सीटों का नुकसान नजर आ रहा है। वहीं प्रमुख विपक्षी कांग्रेस को 66 से 70 सीटें मिल सकती हैं। इस बार आम आदमी पार्टी को 10, टीएमसी को 29 और बीजेडी को 13 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह शिवसेना शिंदे को 2, शिवसेना उद्धव को 11, समाजवादी पार्टी को 4, आरजेडी को 7 और जेडीयू को 7 सीटें मिल सकती हैं। एआईडीएमके को 8, एनसीपी को 4, एनसीपी अजित को 2 और वाईएसआरसी को 18 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 4 राज्यों में एनडीए गठबंधन को एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इसमें मणिपुर, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब शामिल है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।